मिस्ट्री एग्जामिनेशन आज मॉर्निंग सेशन में कंडक्ट करवाएगा आपका इस वीडियो में हम नेशनल इंटरनेशनल जीके जो फिफ्टीन क्वेश्चन पूछे गए थे करंट अफेयर से भी काफी क्वेश्चन पूछे गए थे और क्वेश्चन का लेवल इजी था बहुत ज्यादा टफ नहीं थे एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर प्रीवियस पेपर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस संशोधन एक्ट ने सिक्किम को भारतीय संघ में राज्य के तौर पर शामिल किया देखिए ये क्वेश्चन पहले भी पीजीटी पेपर वन में पूछा गया है किसी भी किसी एग्जामिनेशन में सिक्किम को भारतीय संघ में राज्य के तौर पर शामिल किया गया था 36वें संविधान संशोधन 26 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 के द्वारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 आइडेंटिफाई द इंडियन स्टेट वेयर द वाइल्ड लाइफ सिम्लीपल नेशनल पार्क इज लोकेटेड भारत के राज्य जिसमें वाइल्ड लाइफ सिमलीपल नेशनल पार्क स्थित है उसकी पहचान कीजिए सिमलीपल नेशनल पार्क ओडिशा में है ऑप्शन बी करेक्ट होगा ओडिशा में है सिमलीपल नेशनल पार्क क्वेश्चन नंबर एटीन द रैंक ऑफ हरियाणा स्टेट इन द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 ट्वेंटी थ्री एमंग द इंडियन स्टेट इज भारत के राज्यों में हरियाणा राज्य का स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 में कौन सा रैंक है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 में हरियाणा राज्य का जो रैंक है वो है फोर्टी रैंक ओके, चौदह ऑप्शन सी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 19, द पेंटिंग ऑफ विमेन एंड द बर्ड वाज मेड बाय यो पेंटिंग है विमेन एंड द बर्ड नामक चित्रकला ये किसने बनाई तो ये पेंटिंग बनाई है गणेश पाइने ने ऑप्शन करेक्ट होगा गणेश पाइने ने ये पेंटिंग बनाई है यह 1994 की पेंटिंग है ओके ऑप्शन करेक्ट होगा गणेश पाएने क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम इसको एम पी भी कहते हैं शॉर्ट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के बारे में विचार कीजिए यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई है पहली स्टेटमेंट है इट वाज लॉन्च्ड इन नाइनटीन बिल्कुल सही स्टेटमेंट है पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है इस स्कीम को उन्नीस में लॉन्च किया गया था बिल्कुल सही स्टेटमेंट है सेकंड है इट्स गाइडलाइंस वर रिवाइज्ड एंड पब्लिश्ड इन 2017 तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट तो सही है यानी थर्ड और फोर्थ तो हट जाएगा क्योंकि पहली तो इंक्लूड हो गई ओके okay? इसको नहीं हटा सकते अभी फोर्थ चेक करना पड़ेगा तो बी भी, भी हट जाएगा क्योंकि इसमें फर्स्ट इंक्लूड नहीं है यहाँ पूछा है चूज द करेक्ट आंसर ओके तो पहला तो आएगा अगर फोर्थ स्टेटमेंट देखें तो फाइव पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम फंड आर टू बी स्पेंड इन शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया बिल्कुल सही है शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया में ट्राइबल एरिया में एस टी एरिया में सेवन पॉइंट फाइव परसेंट फंड जो है स्पेंड किया जाएगा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है फोर्थ स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है फर्स्ट भी बिल्कुल सही है तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का जो है सही उत्तर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इक्कीस दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन वीर बाल दिवस इज ऑब्जर्व्ड यहाँ पे सही होना था सेलिब्रेट नहीं होना था वीर बाल दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन ट्वेंटी सिक्स दिसंबर छब्बीस दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है इसकी शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने पिछले टेन ओवर में की थी ओके? ये काफी चर्चा में भी रहा था ये न्यूज काफी हाईलाइट हुई थी ऑप्शन बी क्रेक्टोग में छब्बीस दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे ये जिनकी याद में ये बाल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है ओके अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इज बीइंग ओपनड एज पर अ पार्लियामेंट बिल 2023 पार्लियामेंट पार्लियामेंट बिल 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में के, केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय खोलना है तो पार्लियामेंट बिल 2023 के अनुसार तेलंगाना में सेंट्रल यूनिवर्सिटी इज बीइंग ओपन पार्लियामेंट बिल 2023 ऑप्शन डी करेक्ट होगा डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर हैज स्टार्टेड द राइनो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन 2006 वर्ष 2006 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने किस राज्य के वन विभाग तथा वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल फंड ऑफ फॉर एनिमल वेलफेयर ने राइनो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट आरंभ किया तो ये असम ने किया था ऑप्शन बी करेक्ट होगा असम क्वेश्चन नंबर चौबीस द हाउथी कंट्रोल्ड एरियाज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर द हाउथी कंट्रोल्ड एरियाज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अटैकिंग द शिप्स इन रेड सी बाय मिसाइल्स एंड किस देश के हाउथी नियंत्रण क्षेत्रों से लाल सागर में जहाजों पर मिसाइलों और ड्रोनों द्वारा आक्रमण हो रहे हैं तो ये हाउथी कंट्रोल्ड एरियाज हैं यमन ओके यमन में ऑप्शन एक रेक्ट होगा यमन के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है हाउथी मूवमेंट ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है यमन में इस, इसकी ग्रोथ हुई ये नाइनटीन के दौरान ऑप्शन एक रखोग अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज won द मेंस क्रिकेट कप्स फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स निम्नलिखित में से किस देश की पुरुषों की क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक कप्स जीते हैं क्रिकेट में तो सबसे ज्यादा क्रिकेट में कप्स जीते हैं ऑस्ट्रेलियन ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने ओके ऑस्ट्रेलियन मेंस क्रिकेट टीम नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 हु गॉट द यूनेस्को पीस प्राइज इन 2023 वर्ष 2023 में यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे मिला अब 2023 में मिला यानी 2022 यूनेस्को शांति पुरस्कार की यहां बात हो रही है वर्ष 2023 में यूनेस्को शांति पुरस्कार मिला एंजेला मार्केल को ओके ऑप्शन बी करेक्ट होगा ये एक रिटायर्ड जर्मन पॉलिटिशियन रही ओके ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें क्वेश्चन नंबर 27 है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग अबाउट नोबल प्राइज 2023 ट्वेंटी थ्री इन लिटरेचर वर्ष दो हजार तेईस में साहित्य में नोबे पुरस्कार के बारे में पहचान कीजिए तो पहला है यह एक ऑस्ट्रेलिया के लेखक को दिया गया है सेकेंड है यह एक नॉर्वे के लेखक को दिया गया है थर्ड है उसका नाम जॉन फोसे है उनका नाम फोर्थ है उनका नाम बेन जॉनसन है तो दो हजार तेईस के साहित्य में जो नोबल पुरस्कार मिला है ये एक नॉर्वे के लेखक को दिया गया है बिल्कुल सही है और जिन, उनका नाम है जॉन फोसे ऑप्शन सी करेक्ट है स्टेटमेंट सी करेक्ट है स्टेटमेंट बी करेक्ट है तो बी और सी यानी सेकंड और थर्ड यानी ऑप्शन बी बी फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन नंबर 28 करंट अफेयर से है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द शूटिंग डाउन ऑफ द चाइनीज स्पाई बैलून बाय द यूएसए इन 2023 वर्ष 2023 में यूएसए के स्पेस में आसमान में एक जासूसी बैलून दिखाई दिया था जो कि चाइना स्पाई था चाइना के जासूसी गुब्बारे को जिसने यूएसए के द्वारा गोली मारकर नीचे गिराया गया था इसके बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है इसे 10 फरवरी 2023 में गिराया गया था तो ये स्टेटमेंट गलत है इसको फोर फोर्थ ऑफ फरवरी चार फरवरी तक इसका जो है काम तमाम कर दिया गया था सेकंड है इसे प्रशांत महासागर में गिराया गया ये भी गलत है थर्ड है दस मार्च तो नहीं ही होगा

आइलैंड कंट्री है छोटे छोटे द्वीप समूह की कंट्रीज बनी हुई है समुद्र के बीच में ओके तो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है ऑप्शन सी करेक्ट होगा जमाइका क्वेश्चन नंबर थर्टी लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का आइडेंटिफाई द कंट्री विच यूजेज द पैसो करेंसी पैसो करेंसी लैटिन अमेरिका में इस्तेमाल होती है ओके लैटिन अमेरिकन कंट्री अर्जेंटीना में ऑप्शन ए करेक्ट होगा अर्जेंटीना सो so, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें ओके okay, ये तो थे फिफ्टीन क्वेश्चन पूछे गए थे पीजीटी केमिस्ट्री में आज नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी इंग्लिश और जो एचपीजी के 15 क्वेश्चन बचे इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपने मार्क्स जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में एग्जाम का स्तर कैसा था वो भी बताएं और आपको इस पेपर की पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पे और भी अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे मिलती रहती है तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है वहां से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर पाएंगे आप व्हाट्सएप चैनल भी हमारा ज्वाइन कर पाएंगे व्हाट्सएप का लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन और वीडियो की फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा आपको टेलीग्राम लिंक के साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो so मच